नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कांग्रेस की 10 साल अनदेखी की, इसलिए कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब भाजपा की बारी है। ये बात इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अपने एलनाबाद विधानसभा दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 75 पार का आंकड़ा देने वाले 15 पार भी नहीं कर पाएंगे। पल पल शीर्षक से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगड़ों को साथ लेकर के सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पटका बदलने वाले कभी भी सत्ता हासिल नहीं कर सकते। भाजपा ने प्रदेश की जनता का विश्वास खो दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लगातार 5 वर्षों तक दमन की नीति की अपनाते हुए प्रदेश की जनता को डराने का काम किया है, लोगों पर जुल्म किया है। उन्होंने कहा कि अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी। अभय चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अशोक तंवर को पार्टी से बाहर करने का काम कहीं न कहीं दलित का अपमान करना है। जिस प्रकार तंवर लगातार 6 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इसका फायदा उठाया और ऐन मौका आने पर दूध में से मक्खी निकालने का काम किया और तंवर को बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये सरासर दलितों का अपमान है। वहीं दूसरी ओर अभय सिंह चौटाला ने सेतिया परिवार और इनेलो को एक साथ होने पर कहा कि चौटाला परिवार और पूर्व मंत्री लक्ष्मण दास अरोड़ा आपस में बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। भले ही वे लोग राजनीतिक रूप से अलग अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि अब सेतिया परिवार के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और सिरसा की 5 विधानसभा पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने दावा किया कि सिरसा में गोकुल सेतिया को भारी मतों से जिताकर विधानसभा जीतेंगे। वहीं एलनाबाद और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा के पवन बेनीवाल और कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल पर अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि इन दोनों ने पर हमेशा से नहरी पानी चोरी करने के आरोप लगते आए हैं। उन्होंने कहा कि पानी की चोरी करने वाले और नशा बेचने वालों को अब जागरूक जनता वोट नहीं देगी। वहीं उन्होंने कहा कि एलनाबाद की जनता के साथ हमेशा सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे हैं, आगे भी रहेंगे। आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। चुनाव अभी शुरू हुआ है और यहाँ जो सिरसा जिला है, सिरसा जिला में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्ष में बहुत बड़ी अनदेखी करी है लोगों की। कांग्रेस ने 10 साल करी थी और बीजेपी ने 5 साल करी। कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हुआ था और इस भाजपा का भी यहाँ सुपड़ा साफ होगा। ये जो 75 पार की बात करते हैं, 75 पार वालों की आज हालत ऐसी है कि 15 का आंकड़ा भी छू पाने में उन्हें आज दिक्कत आ रही है। अब तो चीफ मिनिस्टर के पास केवल एक काम बच गया, रोज किसी ना किसी पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता को, जो छोटे मोटे पदाधिकारी को अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, पटके पहनाते हैं, उनके ऊपर दाव लगा करके उम्मीद करते हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे। भगोड़ों को साथ लेकर के कोई सत्ता में नहीं आ सकता, विश्वास के साथ ही सत्ता में आ सकता है। विश्वास बीजेपी ने खो दिया, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनके घर के चिराग बुझे। मान के चलो हमारा जो प्रदेश है, इस प्रदेश के अंदर कोई किसी पे दमन करके तानाशाह तरीके से दबाने का प्रयास करे तो समय आने पे लोग 100% उसका हिसाब चुकता करते हैं। इन्होंने दमन के माध्यम से लोगों को दबाने की कोशिश करी, अब देखना क्या हो। भूपेश मेहता ने पटका पहन लिया था, बहुत लोग पहनेंगे, बहुत लोग उतारेंगे। ये मान के चलो जो लोग इस तरह से पटके पहनते और उतारते हैं, उन लोगों पे आप ये नहीं भरोसा कर सकते कि ये किसी के अपने हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पार्टी जो है माँ होती है। माँ के दो रूप है, एक तो जिस घर में जन्म लेते हो, जिसकी कोख से जन्म लेते हो वो माँ है, और दूसरा पार्टी को माँ कहा जाता है क्योंकि उसने पार्टी में रह करके उसकी सेवा करी है और उस पार्टी को उसने आगे बढ़ाया। जो ये भूल जाए कि मैं इस पार्टी की वजह से मेरी कोई पहचान है, और वो किसी का दूसरे का पटका डालता है तो अपनी पहचान खो देता है। ये बहुत आज की तारीख के अंदर इस प्रदेश के अंदर जिस किस्म का माहौल बीजेपी ने बनाने की कोशिश करी, जो हालत आज कांग्रेस की आपने देखा नहीं,
किस तरह से तंवर को एक दलित के छोकरे का पहले तो इस्तेमाल किया 5 साल, फिर उसको दूध में से मक्खी निकालते हैं वैसे निकाल करके बाहर कर दिया। ये दलितों का अपमान नहीं है? सिरसा में शेतिया परिवार आपके साथ जुड़ा है, कितना हमारा और लक्ष्मण दास अरोड़ा जी का बहुत पुराना संबंध है। कुटाला साहब और वो दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं। राजनीतिक तौर पे हम अलग अलग थे, लेकिन अब वो राजनीतिक दूरियां भी खत्म कर दी। जिस तरह से इनकी राजनीति में अनदेखी की गई, तो मान के चलो किसी व्यक्ति के साथ इन्होंने नहीं करी राजनीतिक तौर पर अनदेखी। पहले कांग्रेस ने इनकी अनदेखी करी, फिर भारतीय जनता पार्टी ने करी, अब हम मिल करके लड़ेंगे। सरसा की तो पंचों जीते ही जीतेंगे, प्रदेश में सत्ता में भी आए। अहमदाबाद में किस तरह का माहौल है, मुकाबला किससे मानते हैं? मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप सारा दिन अहमदाबाद जाते आते हो, मतदाताओं से पूछो जा करके। वहाँ लड़ाई एक अलग तरह की है। मेरे सामने जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी भाषा जो है वो मर्यादित नहीं है। वो इस तरह की भाषा जाकर के बोलते हैं कि कोई मतदाता अगर ये चाहता हो कि इनको वोट दे दें, वो भी ये बात आज सोचता है कि किस व्यक्ति को वोट दें। मैंने इलाहाबाद के लोगों के बीच में रह करके उनकी समस्याओं का समाधान कराया, और इन लोगों ने इलाहाबाद के लोगों का जहाँ अपमान किया है, वहीं उसके साथ साथ कहीं कब्जे किए, कहीं नशा बिकवाया और कहीं नहर के पानी की चोरी करी। दोनों जो मेरे सामने लड़ने वाले हैं उनके खिलाफ तो एक खुला आरोप है कि इन्होंने नहर के पानी की चोरी जो है लगातार पिछले 5 वर्ष से करी है, और जो पानी की चोरी करेंगे, जो नशा बिकाएंगे, अगर मतदाता उनको वोट देगा तो फिर ये मान करके चलो कि हम कहते हैं मतदाता जागरूक हो गया, फिर जागरूक नहीं है। फिर मतदाता भी कहीं ना कहीं उस अपने मत का प्रयोग गलत जगह कर रहा है। सिरसा सीट पर आप प्रचार करेंगे? 100% करूंगा। हमारा समर्थक उम्मीदवार है, और समर्थक क्या, हमारा ही उम्मीदवार है। अपने उम्मीदवार के लिए क्यों नहीं प्रचार करूंगा? प्रचार नहीं करूंगा, इसको जिता के लेकर के आएंगे, MLA बनाएंगे।